चलो इसका मतलब बताओ। बड़ा ना होवे घटी ना जाई। हाँ बड़ा ना होवे घटी ना जाई। ना जाई घटना ना बड़ा हो सकता है ना ना कम हो सकता है। ये क्या कहा जा रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है? ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। कम नहीं हो सकता तो समझ में आता है, बढ़ क्यों नहीं सकता? पूर्ण है, पूर्ण माने बहुत सारा। जब कहा जाता है बड़ा ना हो घटी ना जाए तो मन में छवि क्या उठती है? चल छवि आ जाती है तुरंत, क्या कॉन्स्टेंट है। बिंदु आता है मैडम, कितना बड़ा कांस्टेंट है, हमेशा से कांस्टेंट कितना कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? हर कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है ना। व्हेन यू से समथिंग इज कांस्टेंट देन इट्स अ थिंग दैट इज कांस्टेंट। सर जो जो सत्य है उसको मतलब जो 3 डायमेंशन है, बड़ा छोटा इधर मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन, उससे हम लोग नहीं बोल सकते। तो बड़ा होना छोटे होने का मीनिंग ही नहीं है। बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, क्या आशय क्या है? कि इट्स बियॉन्ड ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मीनिंग व्हाट? ड्यूअलिटी मतलब कि एक के होने के लिए दूसरे को होना आवश्यक है। तो अगर वो बढ़ नहीं सकता और वो कम भी नहीं हो सकता, फिर अगर जो चीज़ कम नहीं हो सकती तो वो बढ़ भी नहीं सकती। कि अगर आगे कोई चीज़ कम हो गई वो इसलिए होगी कि वो बढ़ नहीं सकती है। तो अगर वो बढ़ नहीं सकता कम नहीं हो सकता इसका मतलब कि वो बियॉन्ड है, नॉन डूबल है, कंपैरिजन कि बियॉन्ड है। मेरे दिमाग में टाइमलेस इमेज आई थी कि तो हमेशा से ऐसा रहेगा, बढ़ना है ना घटना है। आप देख रहे हो इन सब चीज़ों में हम कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। ये तो हमेशा से ही ऐसा रहेगा, न बढ़ना है न घटना है, हैं? जैसे कोई लकड़ी का ठूंठ, घर में सोफा रखा होता है, कटी हुई लकड़ी पड़ी होती है, वो न बढ़ती है न घटती है। तो जॉयदीप के लिए सत्य क्या है? लकड़ी का ठूंठ। सोफा टूट टूट जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। नहीं, मान लो सॉलिड सोफा है कतई, बहुत सैकड़ों साल पुराना फर्नीचर भी होता है, रखा होता है म्यूजियम में, ना बढ़ता है ना घटता है। तो सत्य क्या है? म्यूजियम का फर्नीचर ना बढ़ता है ना घटता है। क्या मतलब है इसका? ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। ध्यान दो इस पर, क्या मतलब है? वो तभी यहाँ बैठी हो। सजगता का क्या मतलब होता है? सजगता का बढ़ने और घटने वाला जो प्रसीव कर रहा है, हमारी औकात से भी हो सकता है। कोई प्रसीव करे बढ़ना और घटना, तभी तो वो बढ़ रहा और घट रहा है ना, तब देखता हूँ। तो मे बी इट्स सेइंग दैट यू कांट इवन प्रसीव इट 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 वॉट एवर इज इट इज एन ऑब्जेक्ट। इट क्या है? न बढ़ता है न घट सकता है। सर इसका मतलब वैसे ही जैसे ये श्लोक है उपनिषद का कि पूर्ण मदर ओम पूर्ण मदर पूर्ण मदर पूरा पूरा, उसका क्या मतलब है? मतलब कि जो पूरा है पूरे में से अगर पूरा निकाल दो तो पूरा ही रहेगा। और कैसे? पहली बात तो उसका मतलब पूरे में से पूरा निकालने से नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जितना बांटोगे वो सामने वाले को भी उतना लाभकारी होगा। तो यानी उसमें आप और सामने वाला दो आ गए ना, और तुम कह रहे थे पूर्ण, तो व्याख्या की पहली ही लाइन गलत हो गई। पूर्ण में कोई सामने वाला हो सकता है? टोटल में कोई बचेगा सामने होने के लिए? तो आप और सामने वाले दो कहां से आ गए? पूर्ण तो एक ही हो सकता है। तो एक समय पे आप जहां रहो वहां पूरे तरह से, पूर्ण में समय होता है। अब व्याख्या करने के लिए तो व्याख्या गड़बड़ हो रही है ना। जो तुम उसको जान रहे हो वही तो तुम बोल रहे हो शब्दों से, तुम उसको जान ही गलत रहे हो। जस्ट कांट सी इट बढ़ना
जो है ही नहीं उस पे मन के दायरे के जो नियम है वो लगेंगे जैसे बढ़ना, बस ये बोल दो मन जो कुछ कर सकता है उसके दोनों सिरों को बस नकारना है। मन क्या क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, जोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो जितनी ये वर्सेस होंगे ऐसे ही बोलेंगी, ना तोड़ा जा सकता है ना जोड़ा जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ना काला है ना सफ़ेद है, ना जल में है ना थल में है, ना इस लोक में है ना उस लोक में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मन में नहीं है, बस इतना सही अर्थ है। और चूंकि मन में नहीं है और मन में जो होती हैं उन्हीं का नाम वस्तु है, इसीलिए वस्तु नहीं हो सकता। जो कुछ मन में आ गया वो क्या बन गया, वस्तु बन गया। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा सामान्य तरीका रहा है, बड़ा प्रचलित तरीका तमाम ग्रंथों में कि इसी तरीके से बोलो कि वह क्या है, न काला न गोरा, कभी काला कभी गोरा, ये न्यायंग देखा है, बाहर बाहर काला अंदर अंदर गोरा, अंदर अंदर काला बाहर बाहर गोरा। बहुत ही छोटा बहुत ही बड़ा, इतना तरल कि कहीं भी घुस जाए, इतना ठोस कि काटा ना जाए। कुछ भी नहीं, सब कुछ भी, और ना कुछ ना सब कुछ, ये कुछ नहीं किया जा रहा। ये हर प्रकार के द्वैत के दोनों सिरों को काटा जा रहा है ताकि तुम्हारा मन छवि न बना सके। नीति नीति मन का उपचार है। द्वैत के एक सिरे से आसक्ति मन की व्याधि है, नीति नीति उसका उपचार कर देती है। मन की व्याधि ही यही है कि उसको कुछ अच्छा और कुछ बुरा लगता है। मन की हर बीमारी का तत्व यही होता है कि मन को कुछ अच्छा कुछ बुरा लगा, जब बुरा लगा तो मन ने कहा हम ठीक नहीं हैं, हम बीमार हैं। द्वैत के एक सिरे से मन आसक्त हुआ, नेति नेति दोनों सिरों को काट देती है, न इधर जाओ न उधर जाओ, जिधर जाओगे उधर ही बीमार हो जाओगे। बीमारी कुछ ऐसी है कि काले वाले सिरे पे बैठे तो भी बीमार और गोरे वाले बैठे तो भी बीमार। और जो पागल होते हैं वो सोचते हैं कि काले सिरे पर बैठने का उपचार है गोरा सिरा, वो समझते ही नहीं है कि ना इस सिरे से उस सिरे पे जाओगे तो बीमारी बदल नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, बोध में ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है। आनंद अच्छा लगने की अवस्था नहीं होती, इसीलिए इतनी बार कहता हूं कि जॉय इज नॉट फन। आनंद अच्छा नहीं लगेगा। आनंद ध्यान से अगर देखो तो बस अनुपस्थित है, अच्छे लगने की भी और बुरे लगने की भी। और चूंकि वही शून्यता वही खालीपन तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए मन आनंद की अवस्था में पीड़ा नहीं अनुभव करता, बस इतना होता है। हमारी बाकी सारी अवस्थाएं पीड़ा की अवस्थाएं हैं, सुख की पीड़ा है नहीं तो दुख की पीड़ा है, ध्यान देना, दुख की पीड़ा है नहीं तो सुख की पीड़ा है, पर हमारा जीवन लगातार मात्र पीड़ा है। आनंद वो अवस्था है जिसमें न सुख की पीड़ा है न दुख की पीड़ा है। आनंद मात्र मुक्ति है हर प्रकार की पीड़ा से, सुख की पीड़ा से भी और दुख की पीड़ा से भी। तो आनंद को कोई सुख ना समझ ले। जैसे बोध ज्ञान नहीं, ठीक उसी तरह से आनंद सुख नहीं। सर आपने अभी बोला कि खालीपन तुम्हारी नेचर है, सर कुछ थोड़ा ही अपने होने वाले, अब ऐसा होता है कि कुछ भी चीज़ तो दिमाग को ऑक्यूपाई करती है तो यही दिमाग में आता है, मतलब दूसरा थॉट ही यही होता है कि नहीं
ये काम करनी है, वो छोटे जलाशय वाली बात बहुत सही तरीके से हो गई, छोटे जलाशय से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक खालीपन आता है स्टार्टिंग में, तो वो होता है कि खालीपन आता नहीं है, आप भर देते हो उसको, आता नहीं है भर देते हो। तो पिछले दो हफ्ते से मैं खालीपन के साथ रह रहा था, और अब वो अजीब सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो है और वो कम्फर्टेबल नहीं है, कम्फर्ट फील नहीं होता उसको। समाधि बस उससे कम्फर्टेबल हो जाने का नाम है। अपने अंदरूनी शून्य के साथ कंफर्टेबल हो जाने का ही तो नाम समाधि है। नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ माई अलोननेस, यही समाधि है। तो धीरे धीरे बस 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 बस, न लड़ो न भागो। सर जो बोरियत होती है उसमें भी एक तरह का खालीपन, और हालांकि उस और वो भी नापसंद होती है मन को। बोरियत में खालीपन नहीं है, बोरियत में तलाश है, बोरियत में तो आकांक्षा है भरे जाने की। ये उस अवस्था की बात कर रहा है जहाँ ये तो नहीं है कि भर दो, पर जो खाली जगह है वो अपरिचित सी लग रही है। एग्जैक्टली, यानी मैं भी इस टाइप का फील कर रहा था। वो तो देखो मन समय में जीता है, मन को तो समाधि से परिचित होने में भी समय लगेगा। तुम्हारी हालत अभी ये है कि तुम जिसके करीब पहुंच रहे हो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें वही बेगाना सा लग रहा है। हाँ, कि जैसे आप जैसे बताते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई वो नेचुरल चीज है, तो आप उसमें अच्छा कंफर्टेबल फील करोगे। आई एम सपोज्ड to feel comfortable, so let me feel comfortable, it's all right. I'm supposed to feel divine. ये सब तो अभी बेहूदगियां हैं, इसमें कुछ नहीं है। That comfort is not a cultivated thought, that I'm supposed to feel comfortable with this emptiness. So let me just, you know, try to feel comfortable. पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक अलोननेस है और उसके साथ अभी हम सहज नहीं हो पा रहे, but just because like you or somebody has said कि घबराओ मत, सही है, मतलब you are getting taken care of, तो like हमें तो अभी उसमें उतना विश्वास नहीं, पर हम आप पे one step, but it will not last if it doesn't arise from within. हमने आज सुबह ही बात करी थी कि जीवन का रस बाहर के खाने से नहीं आता, आत्मा से उठता है। तो ठीक है, वो तुम्हारी आत्मा से ही उठेगा, तुम्हें दिखाई देगा कि इसमें है कीमत, खुद ही दिखाई देगा। फिर तुम खुद ही कहोगे कि यार कोई तुम बाकी बातें तो मुझे कुछ भी बता दो, मुझे पता चल गया है कि कीमती चीज़ क्या है, मुझसे इधर उधर की फालतू बातें करो ही मत, मुझे पता चल गया है और अब कोई हिला नहीं सकता। तो सेम अनकंफर्ट वैसे भी होता है, जैसे आप कह रहे हैं अगर थोड़ा सा जाग के हम सोए हुए हैं, उसमें अगर जाग लगी रहती है तो इनिशियली वो भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील होती है उसकी। इट टेक्स टाइम टू बी कंफर्टेबल। पर वो जो डिस्कम्फर्ट है, वो डिस्कम्फर्ट इसलिए होता है क्योंकि मन का ही एक हिस्सा दूसरे से लड़ रहा होता है, वो इसलिए है। ये एक खास तरह का डिस्कम्फर्ट है जहाँ पे मन अपने डिसोल्यूशन से अनकंफर्टेबल है। मन ऐसा है, अच्छा चला जाऊं, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं चला जाऊं, मेरे जाने पर भी सब ठीक रहेगा, मैं कोई चिंता ना करूं तब भी काम चलता रहेगा, ये वो वाला है। ही इज नॉट येट, उसको डर लग रहा। अच्छा हाँ, मतलब मेरे ना होने पर भी काम चल जाएगा। तू सही है ना? हाँ, मतलब मेरे ना होने पर भी सही है, ये पॉसिबल कैसे है? फिकर मत करो, नेचुरल है वो। तुमको भी लगता है टाइम 2-4 महीने। तुम लोग असल में ऐसे माहौलों में भी रह रहे हो ना जहाँ प्रैक्टिस भी कम मिलती है अकेला होने की, हर समय तो कोई ना कोई घुसा रहता है, तुम्हें तो खाली कमरा ही नहीं देखने को मिलता होगा। अच्छा, पार्क बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे खाली रह सकते हैं। नहीं, पर रह सकते हैं, पर
पर क्या रहते हैं, रहो तो अच्छा है। जितना ज़्यादा किसी की शक्ल देखोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा मन टाउं टाउं रहेगा। हाँ, खाली कमरे में रह पाना, शांत रह पाना कुछ बड़ी बात है। बहुत लोग हैं जो एक खाली कमरे में आधे घंटे नहीं रह सकते। सर, व्हाट्सएप और फेसबुक डिलीट करने का मन करता है बहुत ज़्यादा। हटा दो फिलहाल के लिए तो हटा दो, बहुत डिसएडवांटेज है। हटा देंगे, वक्त आने पे हटाएंगे, चिंता मत करो, सब हट जाएगा वक्त आने पे। सर, जब इसे घर पे रहते हैं, इस माहौल में रहते हैं, तो सब लगता है कि हाँ सब उस कर्म को समर्पित कर दिया, सब हो गया, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलते हैं सारा डिफेंस मैकेनिज्म फिर से एक्टिव हो जाता है। पकड़ के रखो तो नहीं मान लेगा कोई ट्रेन में। पकड़ के रखो। और इस बात में देखो, कोई बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आप पॉकेट का भी ख्याल रख लो और तब भी होशियार रहो। दिक्कत है पॉकेट से ऑब्सेशन में। पॉकेट को जितना ध्यान चाहिए उतना दे लो और मुक्त हो जाओ पॉकेट से, पर आप पॉकेट को पकड़े ही खड़े हुए हो ट्रेन में और दो घंटे यही करा, क्या करा, पॉकेट को पकड़ा तो फिर तो हाँ, ये कोई आइदर और सिचुएशन नहीं है कि जो पॉकेट की सोच रहा है वो ध्यान में नहीं हो सकता। आप पॉकेट की परवाह करके भी ध्यान में हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते।